और ओरमाड़ा के जो यादार हैं कश्तियाँ काफी लंबा हैं। अभी हम आ गए ओरमाड़ा के बाजार, ये कौन सा बाजार है? तबे सक मना तई गमा नचा मन 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 मन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर ओरमाड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओरमाड़ा में। आज ओरमाड़ा सिटी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे। कल रात को यहाँ पर स्टे किया था, अभी उठे हैं, अभी नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे आप लोगों को ओरमाड़ा सिटी दिखाएंगे। ओरमाड़ा वो सिटी है जो सेम टू सेम ग्वादर जैसा है, दोनों तरफ समंदर और एक तरफ सा बड़ा सा फाड़ ग्वादर की तरह। और जाएंगे ओरमाड़ा का, दोनों तरफ के समंदरों का विजिट करेंगे, बाज़ार का सब आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, साथ रहिएगा। और हमारे साथ है समीर आज़ाद, उस तरफ तरीन भाई बैठा हुआ है। और यहाँ पर भाई नाश्ते की तैयारी हो गया, सारे ठीक है ना? वाह मुश वाह मन वारिस भाई, आप यहाँ पर कैसे आए हो, क्यों आए हो, बताएं हमें। तो मैं यहाँ पर आया था, मैंने सुना था कि यहाँ पर जो है मेहमान नवाजी बहुत है। तो मैंने सुना कि यहाँ ओरमाड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर होटल ही नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि लोग इतने मेहमान नवाज हैं वहाँ पर, आप खुद यकीन नहीं कर सकते। भाई अभी हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, सारे दोस्त हैं। ये हमारा ड्राइवर निकल रहा है, गाड़ी को बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ा नया है कौन तो दाश्ता अब मैं दाश्ता में हम नहीं मैं उर्माड़ेगा नहीं मैं नया ग्वादरा। ये जरीन भाई, थैंक यू सो मच जरीन भाई कि आपने हमारे इतना खिदमत किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आप लोगों के जो मतलब जो रिस्क में जो लिखा हुआ था, मगर मेरे ख्याल में मैं क्योंकि मैं सेट नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल में मैंने जितना जो मुझे करना था मैंने उतना नहीं किया। और जरीन भाई उर्माड़ा का एक यूट्यूबर है और ऑल पाकिस्तान ट्रिप पे गया था बाइक पे, तो वहाँ पर थोड़ा सा हादसा हुआ है मेरे साथ, तो आप मेरे चैनल में देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके चेक करें। और भाई का पैर में आप देख सकते हैं पट्टी है, पाँव टूटा हुआ है, फिर भी हमारे खिदमत किया। नहीं नहीं यार, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करो। मैं बस आप लोगों के जो जितना जो टाइम देना था, मगर आप लोगों की मेहरबानी जो आप लोग आए हैं, हमें इज्जत बख्शी आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इस इंतज़ार में होऊंगा कि और मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा, फिर दोबारा आएंगे। गुल बदन दिले भंग बीतरा नबा मन तिचम में इशारा उफ मनारा दोस्त बे सक मना तई गमा नचा मन 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 मन। मेहनत यार, समीर भाई अभी हमें ले जा रहे हैं अपना सिटी दिखाने जा रहा है भाई। चलो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? धीमी सर, धीमी सर, उसके बाद पदी सर, फिर बाजार इंशा भाई। हम सारे दोस्त बैठे हैं, अभी जा रहे हैं और ओरमाड़ा सिटी आप लोगों को दिखाएंगे, साथ रहिएगा। आओ यहाँ सर, तो अभी बोलो दो जल्दी बोलो भाई। अभी हमारे दोस्त यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, पीयूष पंप, मगर ये ईरानी पेट्रोल है। ये रमेश भाई है, रमेश भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर जाके चेक। रमेश भाई आप हमें बताइए कौन सा एरिया है ये? भाई ओरमाड़ा का तहसील पाड़ा है, ये म्यूनसिपल कमेटी ओरमाड़ा है, इसीलिए इसे तहसील पाड़ा कहते हैं। उसके उस तरफ जो है तहसीलदार का दफ्तर है, वो स्कूल है, एजुकेशन के अदारे हैं, टेलीफोन वाले के, PTCL के, ये पता नहीं कौन सा गोदाम है, वो इसके अंदर जो है बाजार जाता है। माशाल्लाह खूबसूरत सा मस्जिद है, इसका नाम मुझे पता नहीं क्या है भाई, इसका नाम जिसको पता है कमेंट जरूर करें भाई। ये ओरमाड़ा का बाजार है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ हम जल्दी में। ये स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, ये है मैन चौक भाई, VIP चौक, ये बुर्ज खलीफा चौक है। अभी हम जा रहे हैं भाई दिमीजर, ये सामने ओरमाड़ा का बीच यानी के दिमीजर बीच। भाई समीर भाई हमें लेके आया ओरमाड़ा बीच, ये है दिमीजर बीच। और यहाँ पर काफी ज्यादा लकड़ी के कश्तियां नजर आ रही है हमारे ग्वादर में, ज्यादातर
स्पीड बोट है ईरानी फाइबर के, आप हमें बताएं ये क्या है सामने? ये मॉल, मॉल मतलब यहाँ पे वैसे मच्छियाँ लाते लोग, लेकिन मतलब ये मॉल बस बना हुआ है, यहाँ पे कभी किसी ने मच्छी नहीं लाया, यहाँ पे लोग आते हैं ताश खेलते हैं, अच्छा टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं, बस यही काम का बिल्डिंग है। अच्छा फैक्ट्री कहाँ पर है? ये जो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे दुकान है मच्छियों की, मतलब यहाँ पे मच्छियाँ लेके बंदे आते किलो वगैरह वजन करते हैं, और सामने फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, फैक्ट्री यहाँ पर कितने फैक्ट्रियाँ टोटल? यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 6 या 7 होंगे, लेकिन अभी भी काम जारी है भाई। यहाँ पर एक छोटा सा बोट है यद्दार, अभी बना हुआ है नया वाला है, मेरे ख्याल से अभी तक ये पानी में नहीं उतारा गया है, फुल काम जारी ना, फुल कलर किया गया माशाल्लाह, अभी कलर किया गया तैयार है, इसको बस पानी पे उतारने की बारी आ गया इसका भी। बादल में इस तरह के ज़्यादातर फाइबर की कश्तियाँ हैं, और यहाँ पर फाइबर के हैं मगर काफ़ी कम है, ज़्यादातर लकड़ी के हैं। ये भी पुराना वाला है, ये बनाया गया है लकड़ी से, मगर दोबारा इसको फाइबर के चादर चढ़ाया गया है भाई। ये है उरमाड़ा बीच, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर माशाल्लाह कश्तियाँ काफ़ी ज़्यादा। सा बाज़ार दिखाएंगे फिर जाएंगे दिमिज़र में, ये पदिज़र है और दिमिज़र भी, ग्वादर की तरह यहाँ पर भी दोनों तरफ समंदर, वैसे तीनों तरफ भी समंदर है ग्वादर की तरह, और तीसरा समंदर फाड़ के उस तरफ है। और भाई अभी हम आ गए उरमाड़ा के बाज़ार, ये कौन सा बाज़ार है? ये उरमाड़ा का मेन बाज़ार है, वही की छोटा सा बाज़ार है उरमाड़ा का, यही है बस। बाज़ार का नाम क्या है? बाज़ार का नाम बाज़ार है बस यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे नाम वगैरह नहीं रखते कुछ चीज़ों का। क्यों? बस यूँ ही, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार है, हाँ एक ही बाज़ार है, इसका नाम क्या रखेंगे, बाज़ार है बस। आप लोगों के पास बाज़ार ज़्यादा है, रोडें ज़्यादा है, इसकी नाम है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसकी नाम ही नहीं है। यहाँ पर कपड़े वाले और यहाँ पर जूते वाले सामने, और यहाँ पर भी रक्षे हैं ग्वादर की तरह, तो ये बाज़ार है, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और भाई उरमाड़ा के अंदर रिहायशी होटल नहीं है अभी तक, रिजोर्ट वगैरह हैं, सिटी से बाहर आप जाओगे वहाँ पर दो रिजोर्ट हैं, अब्दारा रिजोर्ट और बोलान रिजोर्ट। भाई समीर भाई हमें गाइड कर रहे हैं आगे, हम समीर भाई को फॉलो कर रहे हैं। उरमाड़ा का बाजार, उरमाड़ा सिटी के अंदर 4 बैंक हैं, MCB, 4। भाई अभी हम आ गए उरमाड़ा का मैरीन ड्राइव में, वाह यार उरमाड़ा का होना थी मैरीन ड्राइव है ये भाई, उरमाड़ा का यही समझो मैरीन ड्राइव है, लाइट भी लगे हुए मगर रोड अभी तक नहीं बनाया गया, पहले लाइट लगे गए लगाए गए बाद में यहाँ का रोड डाम्बर होगा। भाई उरमाड़ा में माशाल्लाह खजूर के काफ़ी दरख्ते हैं यहाँ पर, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम तुरबा सिटी में दोबारा आ गए भाई। ये रास्ता यहाँ से सीधा बीच पे जाता है, ये रास्ता सीधा उरमाड़ा सिटी से बाहर जाता है, यहाँ पर भी यानी कि अद्दार लकड़ी के कश्तियाँ काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। धूमी गाड़ी बाहर के लगे नहीं मचता, हाँ यार माशाल्लाह ज़बरदस्त। और उरमाड़ा के जो यद्दार हैं कश्तियाँ काफ़ी लंबा हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ है, ये भी समंदर इतना पीछे चला गया, और ऐसे इन्हें हम बोलते हैं तर्म, ये जो जगह बना हुआ है इन्हें नीचे रखते हैं फिर इसको धक्का देते हैं यहाँ से पकड़ कर, कुछ लोग यहाँ पकड़ते हैं कुछ लोग यहाँ पीछे पकड़ते हैं, फिर इसको धक्का देकर बीच पे लेके जाते हैं। तो हमारे ग्वादर में इस तरह के कश्ती आजकल नहीं है, एक दो मिल जाते हैं ज़्यादा नहीं। ये इसका इंजन है, इसका पंखा है, और ये सुकान ये यहाँ पर लग जाता है इसको घुमाने के लिए। और सामने यहाँ पर एक चापड़ा है जो माहीगीर यहाँ पर अपना जाल वगैरह बनाते हैं, मगर हमारे ग्वादर में पदिज़र में इस तरह के तकरीबन 5 से 6 चापड़े बनाए गए, मगर यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर कश्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह इस तरफ। गोल बदन दिले बन ये बुको दिए मैं क्या दे मारा याद नहीं था जी 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 बेतरा नवामन ते चम्मे इशारा उफ्तुकुश मनारा
दोस्त बे सकमना सही गमा सचा मन मन दास्ता मदा तो मनी भाई समीर भाई को हम उरमाड़ा बीच में अभी रुखसती कर रहे हैं, हम जाएंगे अभी सीधा ग्वालियर। ओके वश्य हल्ला है बाउटे तकलीफ बेबक्तर बास तकलीफ दाता पता मिल ले बस भी। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हम अभी जल्दी निकलने वाले हैं यहाँ से, इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद होंगे। तो इस वीडियो को यही से करते हैं, जिंदगी में फिर मिलते हैं, नई दिन नई टॉपिक नई जगह के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।